पिछले दिनों आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था कि किस प्रकार जम्मू में एक ऐसी जगह भी है जहां पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का गढ़ बन चुका है। उसके बारे में ही बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में, जहां पर हम कमिश्नर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, डॉक्टर देवांश यादव से। तो आइए चलते हैं। सर, महाराजा हरि सिंह पार्क के ठीक सामने एक लेन है, वहाँ पे जेडीए की पार्किंग के अंदर काफी समय से पानी का निकास बंद है और वहाँ पर ढेर सारे डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, लोगों की जान संकट में डाल रहे हैं, उसके ऊपर कोई काम किया गया है? एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे मैं लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कई बार हमको ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि साहब हमारा ड्रेन चोक्ड है, यहाँ पे डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। डेंगू का मच्छर गंदे पानी में नहीं पनपता, साफ पानी में पनपता है। आपके गमलों में, आपके फ्रीजर्स में, आपकी पानी की टंकियों के पानी में डेंगू का मच्छर पनपेगा। गंदे पानी से बाकी सैनिटेशन के इश्यूज जरूर होंगे। जहाँ तक महाराजा हरि सिंह पार्क की बात है, ये प्रॉब्लम हमारे ग्रीवियंस पोर्टल पर भी आई थी। इस प्रॉब्लम को हमने जेडीए से टेकअप किया। उस दिन जिस दिन हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई, हमारी पूरी टीम ने सैनिटेशन किया, वहाँ पे क्लेनलीनेस किया। जब हमने जेडीए से जानकारी ली, इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी एज ए टेंडर इन्होंने निकाला हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद अब वो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे सिविल वर्क शुरू हो जाएगा, जिससे उधर से पानी का निकासी इंश्योर होगा। सर, कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आई थिंक ये जानकारी जेडीए से हम लोग लेंगे और आपको भी मुहैया कराएंगे। जीएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि इस मामले में उन्होंने जेडीए से बातचीत की हुई है और जेडीए उसके ऊपर जल्द ही एक्शन लेने वाला है और उस जगह में जो पानी का निकास रुका हुआ है, उस जगह को लेकर कंप्लेंट को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा, जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। अपनी राय हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, जम्मू।